The thing is, honestly, I'm not prepared. But as usual, you know, I'm a bit dull. Dull in the sense, not that what I'm presenting is going to be dull. Everybody is saying he is retired. But I fully agree with one of our colleagues. It's retirement only. That means retiring means giving a new lease of life to the vehicle. Similarly, retirement simply means just a change of change your phase in life where you move for change for better. I'll say, as you are retiring means you are giving up working under others. It's good that you are going to start your own business. I'll simply say one thing. Make yourself responsible for the business, for your work, but don't make yourself indispensable. And secondly, what's more important in my opinion, everybody, I'm of the opinion that everybody has certain dreams, they may, however wild they may be. But I'll now advise you to pursue those dreams, because that's the only life we get. Nobody's sure of any life after life or any rebirth. We are never really sure. I'll say you're lucky that your family, at least part of it, that's with you. They're already following their dreams, and they will be too happy to accompany you when you follow it, pursue your dreams. That's what I have to say. मौसा जी को बेसिकली मेरी एडवाइस होगी कुछ अब हमारे बारे में सोचना चाहिए। I think Rupa जी should open a disc so that हम लोग तो डांस कर रहे हैं और वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटा दीप एक नन्ना दीप सहारा तिमिर जग का सहज शांत अभी छोटा सा दीपक गांव की मिट्टी की सौंधी गन से सुवासित संस्कारों से ने सिंचित निर्मल कार्तिक से सुसज्जित हमारे चाचा जी संघर्ष से हो नवनीत निकलता है और संघर्ष ही विपुल शक्ति का उत्पादक होता है संघर्ष से भयभीत होने वाला व्यक्ति प्रगति के पद चिन्हों पर नहीं चल सकता आपका अब तक जीवन संघर्ष के बाद मिली सफलता दुख के बाद सुख ग्रीष्म ऋतु के बाद बसंत उत्सव है विरोध और संघर्ष से अलौकिक आपने सद्भाव त्याग से जो नवनीत निकला उसे आपने मात्र हितार्थ सहज भाव से वितरित कर दिया प्रचंड सूर्य के बाद शाम की विश्रांति तेज आंधी के बाद हवा का गतिशील यौवन के बाद सहज गति की प्रौढ़ावस्था विधि का विधान सूर्य की प्रचंडता चाहे कम हो जाए पर उसका तेज अलौकिक करता है अंधकार को ऐसे है हमारे चाचा जी यह विश्रांति है आपको आत्मचिंतन की ओर ले जाए मैं और मेरा का बोध हो जो सत्कार्य आपने शुरू किया है पूर्णता की ओर हो समय की कभी सत्कार्य के लिए बाधक न बने प्रभु के और नजदीक हो मैं खो बैठा था मैं को अपने निज अवरूप को इस ठहराव में कुछ पाऊं जो पहले विस्मृत सा था ऐसे हैं हमारे चाचा जी ये सब मैंने खुद लिखा है और मतलब किसी शायद आपको इतनी हिंदी कुछ समझ ना आई हो पर मैं इसको ट्रांसलेट इसलिए नहीं करना चाहती थी जो मेरे भाव है इसमें शायद ट्रांसलेट करने से वो खो जाते अगर मैं ट्रांसलेट करती जो मैं शायद भावना जिस भाव से कहना चाहती थी आप उसको ना समझ पाते सीखो
कलियों से मुस्काना, साहब और सुषमा से सीखो जब को खुद में बनाना। चाचा जी ने रिटायरमेंट पार्टी दी है तो पार्टी में कुछ मतलब रॉकिंग तो होना चाहिए, तो चाचा जी को तो कहना चाहिए था ना रॉक द पार्टी, रॉक द पार्टी, ओए ओए लकुड़ी तेरी जवानी। उसके बाद चाची जी कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं, करो थोड़ा इंतजार। ये डट रही है। चलो चाचा जी आप तो रिटायर हो चुके हो, तो चलो पिताजी में पार्टी दो, पिताजी में चलते हैं पार्टी लेने। According to me, Chacha ji's golden period has started. So retirement is the most wonderful and joyful span when one gets freedom from the major responsibilities of life. So according to me, Chacha ji should just relax and enjoy his life with Chachi ji as they are together after a long period of time. So I think he should just chill out. मेरे भी ये एडवाइसर सब जिन्हें बोल रहे हैं कि चाची को ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, मेरे ख्याल से चाची ने बहुत नोट कमा लिया है, अब चाची को एकदम आराम करना चाहिए और अपनी लाइफ रिकॉल करनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आप चाची का आपने इन्जॉय नहीं की होंगी या भूल चुके होंगे या टाइम नहीं मिला होगा थ्रू आउट योर वर्किंग डे, आपको वो सब चीज़ें इन्जॉय करनी चाहिए। ओके मम्मा अब आपकी बारी। मैं क्या बोलूं, सब लोग क्या बोल रहे हैं, आप डाटा देख लो सब लोग क्या ला रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूं, जो मैंने जाना था सब ने कह दिया। मैं क्या बोल रहा हूं चाची जी, देखिए एक बार उनके कह दो तो मेरे पीछे ना यार। चाची जी गा रहे हो पंजाबी गाना। You can stand next to him though at least. Thank you everyone, everyone has been good with us and it should keep on going like this. And God bless everyone. Thank you.